बॉबी झा MLS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइन पर। बिहार में नकली EVM बरामद, बूथ के पास से एक को हिरासत में लिया गया। पूंछ के पोलिंग स्टेशन पर EVM पर काम नहीं कर रहा कांग्रेस का बटन। खिलाड़ी के साथ ये किस भाषा में बात कर रही है प्रीति जिंटा। अब खबरें विस्तार से। बिहार के औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में पहले चरण के चुनाव के दौरान नकली EVM के साथ एक को हिरासत में लिया गया है। औरंगाबाद के नक्सल प्रभावित इलाके देव डिबरा थाना क्षेत्र के भलुआही के समीप नकली EVM बरामद किया गया है। एक शख्स को पोलिंग बूथ के पास से इस नकली EVM के साथ हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए आरोपी का नाम सुरेश पासवान है। आरोपी एक खास राजनीतिक दल को वोट देने को लेकर मतदाताओं को बूथ के बाहर जानकारी दे रहा था, जिसके लिए वह इस नकली EVM का इस्तेमाल कर रहा था। नकली EVM को इस तरह बनाया गया था कि इसमें असली EVM की तरह है। बटन दबाने पर आवाज भी आ रही, जिससे मतदाताओं को यह पता चल रहा था कि किस पार्टी को वोट दिया गया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 20 राज्यों और शासित प्रदेशों की 91 लोकसभा सीट पर मतदान हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा में लोकसभा के साथ ही विधानसभा सीटों के लिए भी मतदान हो रहे हैं। इन राज्यों के मतदाता दोनों के लिए वोट कर रहे हैं। 10 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों आंध्र प्रदेश 25, तेलंगाना 17, अरुणाचल प्रदेश 2, मेघालय 2, उत्तराखंड 5, मिजोरम 1, नागालैंड 1, सिक्किम 1, लक्षद्वीप 1 और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 1 की सभी सीटों पर मतदान हो रहा है। सह मालकिन और बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा अक्सर सुर्खियों में रही है। प्रीति जिंटा अपने हर सीजन में अपनी टीम के साथ नजर आती रही है। मैच से पहले प्रीति जिंटा पंजाब की टीम के साथ बस में थी। उन्होंने टीम के खिलाड़ी अफगानिस्तान के स्पिनर मुजीब उर अरमान के साथ कुछ हल्के फुल्के पल गुजारने और मस्ती की। प्रीति जिंटा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में प्रीति मुजीब के साथ पश्तो में कुछ बात कर रही है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।